राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेता है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे है। कांग्रेस पार्टी 60-70 साल देश में सत्ता में रही है, तो राहुल गांधी जी को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि अपने देश के बाहर जाने के बाद अपने देश के खिलाफ बात करना ठीक नहीं है। देश में डेमोक्रेसी है, आप लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से हारी थी और अपने देश में वन मैन वन वोट वन वैल्यू इसी तरह का संविधान में प्रावधान है, तो मतलब अपने देश की लोकशाही इतनी मजबूत है कि अपने देश में लोकतंत्र नहीं है इसी तरह की बयानबाजी लंदन में जाकर करना ये बहुत बड़ा सीरियस बात थी। इसलिए हम लोगों ने मतलब बीजेपी और एनडीए ने लगातार 8-10 दिन हमने हंगामा किया और राहुल गांधी ने माफी मांगनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी टस से मस नहीं हुए। राहुल गांधी अगर माफी मांगते थे तो शायद उनको डिसक्वालीफाई करने का ये वक्त नहीं आता था, लेकिन डिसक्वालिफिकेशन जो है ये चेयर को अधिकार है, स्पीकर को अधिकार है, अपने सभागृह का कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो प्रदेश में जाकर देश के खिलाफ बात करे। यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ जो संविधान है संविधान से देश चलता है, तो जो डिसक्वालिफिकेशन का जो निर्णय माननीय स्पीकर जी ने लिया है, जो हमारे ओम बिरला जी ने लिया है, ये निर्णय सही है और उनको राहुल गांधी को सजा मिलना बहुत बड़ा जरूरी था। ये सजा जो है उनको उस कोर्ट के फैसले के बाद मिली है जहां उनको 2 साल। राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, फैसला अदालत का है, कांग्रेस थोड़ी सी मजबूर नजर आ रही है, सीधे अदालत पर सवाल उठा नहीं सकती, सवाल बीजेपी से पूछ रही है। देखिए बिल्कुल वाजिब बात है कि फैसला अदालत का है। राहुल गांधी जी ने इस देश की न्यायिक प्रणाली, इस देश के लोकतंत्र, इस देश की एजेंसियां, किसी पर भी विश्वास करना बंद कर दिया है। उन्हें लगता है कि जिस तरीके से मेरे परिवार के पास ये प्रेरोगेटिव होता था हमारी सरकार के अंदर कि हम सारी न्यायिक प्रणाली को, सभी एजेंसियों को, सबको दरकिनार करते हुए अपने परिवार का शासन कायम रखें, वो अभी भी चल रहा होगा। इसीलिए इस तरीके की स्टेटमेंट, इस तरीके का हट, इस तरीके की गाली गलौज, इस तरीके से जो जिसे कहते हैं मनमाने ढंग से अपना रवैया दिखाना, ये राहुल गांधी जी को भारी पड़ गया है। बजाय इसके कि वो भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को सभी को मिलकर के राहुल गांधी जी को समझाना चाहिए, राहुल गांधी जी को बताना चाहिए ये देश लोकतंत्र से चलता है, हमारी न्यायिक प्रणाली से चलता है, हमारी एजेंसियों से चलता है, तो आप कम से कम ऐसा कार्य ना करें, आप कम से कम ऐसा कार्य ना करें जिस कार्य से हमारी पार्टी को भी क्षति होती है और आपको भी क्षति होती है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि एक संदेश है राहुल गांधी जी के लिए, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेसी नेताओं के लिए, कि अब उनके पास दो ही विकल्प बचे हैं, या तो राहुल गांधी जी को समझाएं या अपनी पार्टी को, पार्टी जो है उनकी कांग्रेस पार्टी, उसको गर्त में डालें। अब ये विकल्प उनके पास है और भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कानूनी रूप से निर्णय लिया गया है और कानूनी रूप से जो निर्णय होता है उसको चैलेंज अगर कहीं किया जा सकता है तो वो न्यायालय में ही किया जा सकता है। उसको चैलेंज ये टीवी के मंच के ऊपर, सड़कों के ऊपर नहीं किया जा सकता। आपके पास कानूनी अधिकार है, अगर आपको लगता है कि आप ठीक है तो आप अपनी कानूनी लड़ाई लड़िए, और आपको लगता है कि आप गलत है तो जो न्यायालय ने आपसे कहा था कि आप माफी मांगिए जी। भारत को भी अपमानित लंदन में जाकर के कर रहे हैं, और अब जब न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई निर्णय हुआ है, 4 वर्ष के न्यायिक पूरी प्रावधानों को, पूरी प्रक्रिया को पालन करके, पूरा उनको सारा अवसर देकर के एविडेंस रखने का, अपना पक्ष रखने का, अपने डिफेंस के विषय को रखने का जब निर्णय आया, तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है, और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यवाही हुई है उचित दिशा में, उसी दिशा में कार्यवाही हुई है। देखिए जो देश में कानून की स्थिति है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो पूर्व में निर्णय दिया गया है उसके अंतर्गत यह स्पष्ट है कि आपराधिक विषयों में अगर 2 वर्ष की सजा किसी को भी होती है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन है, उस कानूनी प्रावधान के अनुसार ही लोकसभा सचिवालय ने उनके डिस्क्वालिफिकेशन की विषय की। लेकिन मूल विषय जो है, और आज सुबह से मेरे को ओबीसी समाज के लोगों के फोन आ रहे हैं
कि क्या कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेता एक सरनेम पे एक समाज को पूरे समाज को क्या चोर कह सकता है? क्या ओबीसी समाज के लोगों को क्या छोटे समाज के लोगों को अपने सरनेम के कारण अपमानित होना पड़ेगा? क्या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को छोटे समाजों को अपमान करके और अपने अहंकार में आकर के अगर वो माफी भी नहीं मांगते तो क्या इस अहंकार को ही वो अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं? ये अब्यूज कर रहे थे, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे थे, गाली देने में और आलोचना करने में अंतर होते हैं। कोई लोकतांत्रिक बहस नहीं कर रहे थे, राहुल गांधी एक ओबीसी समाज को गाली देने का काम कर रहे थे जो उनकी इस कृत्य के कारण उनको सजा मिली। तो देखिए लगातार प्रतिक्रिया आ रही है दोनों ही तरफ से, कोको कोला के अंदर कैसा उसके क्या क्या है उस तक जीपीसी हुई है और ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट जिसमें कि लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए, 10 लाख करोड़ डूबे हैं लोगों के, बैंकों का पैसा डूब रहा है, उसकी जांच तक नहीं होगी? इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जो कुछ हुआ है उसकी जांच होना चाहिए। कितनों को जेल भेजोगे? हम सब जाने तैयार हैं। आप लोगों को भी डिटेन करके यहाँ लाया? हाँ ठीक है, डिटेन करने के लिए आए हम, तो और जहां जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन जेपीसी करवा कर रहेंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे और मोदी जी को मजबूरी में ये जेपीसी लागू करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम आखिरी दम तक इनसे हिसाब मांगेंगे। अब सर आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? उधर वो तो खड़गे जी तय करेंगे। उधर नड्डा जी कह रहे हैं कि अरे नड्डा जी, अरे एक बात सुन लो, नड्डा जी आप ब्राह्मण हैं, उच्च वर्ग के हैं, आपने कभी ओबीसी के बारे में कभी बात की है? अरे ओबीसी का आरक्षण किसने किया है? उस समय जनता दल में हुआ, आपने जनता दल का समर्थन छोड़ दिया था मंडल कमीशन की वजह से, आप कहां की ओबीसी की बात करते हैं? आप लोगों को उम्मीद थी इतनी आनंद। और दूसरी बात यह है, ये कह रहे हैं मोदी समाज, अरे मोदी में तो बनिया भी हैं, ओबीसी भी हैं और अनेक लोग हैं, अपर कास्ट भी है, मोदी बनिया अपर कास्ट हुआ हमारे यहाँ, जैन है, तो ये का झूठ बोलने वाले, मैं समझता हूँ कि बीजेपी और आरएसएस में झूठ बोलने वालों का कोई मुकाबला नहीं। उम्मीद थी आज की आज, अरे मालूम था, उम्मीद क्या थी, मालूम था होना ही। क्या कारण है कि 3 साल पहले एक मुकदमा दायर होता है और चुनाव उसके बाद 2017 का उनका भाषण है, उसके बाद जो जिसको आपत्ति है वो कहता है कि अभी मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहता और वो कहां जाता है, हाई कोर्ट में, कि स्टे करवा देता है प्रोसीडिंग्स। क्यों करवा देता है? क्योंकि उसको लगता है कि जो वहां जज साहब हैं वो राहुल गांधी जी को रिलीफ दे देंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने क्या कहा है, राहुल गांधी जी ने यही तो कहा कि बड़े बड़े चोर हजारों करोड़ रुपए लेकर देश से भाग गए, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसे, इनको वापस क्यों नहीं लाते? मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था चुनाव के पहले कि मैं काला धन लाऊंगा, एक एक परिवार को 15-15 लाख रुपए दूंगा, कहा था कि नहीं कहा था? लाओ ना काला धन। कर सकते हो आप उसको सार्वजनिक रूप से अपमानित कैसे कर सकते हो जब आपके पास कोई तथ्य नहीं है, विषय नहीं है? और ये जो बोलने की प्रक्रिया, राजनीति में अगर हमको देश को आगे बढ़ाना है तो सार्थक विषय, मूल विषय, क्रिटिसिज्म और अब्यूज में अंतर होता है। ये अब्यूज कर रहे थे, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे थे, गाली देने में और आलोचना करने में अंतर होता है। कोई लोकतांत्रिक बहस नहीं कर रहे थे, राहुल गांधी एक ओबीसी समाज को गाली देने का काम कर रहे थे जो उनकी इस कृत्य के कारण उनको सजा मिली।